Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 2.3 question number 1. यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सिंबल जो हैं करेक्ट साइन लगाने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स. ये रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनके दरम्यान हम ये सिंबल्स लगाएंगे, ग्रेटर देन का, इक्वल टू का और लेस देन का. ठीक है जी, तो ये कैसे करना है, हम इसका जो पार्ट नंबर 1 है, 1/2 और 15/20 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा. जी स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं. ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके दरमियान हम जो सिंबल्स लगाएंगे, ग्रेटर देन की, इक्वल टू की और लेस देन की, ये जो है इन तीनों सिंबल्स में से कोई एक हम इनके दरमियान लगाएंगे, इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है. ठीक है जी, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये होगा कि आपने सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम करने हैं. ठीक है, जिस तरह देखें ये इसका डिनोमिनेटर 20 आ रहा है तो इसको भी हमें 20 बनाना पड़ेगा. तो इसको हम 20 कैसे बनाएंगे, इसको जो है हम 20 जो बनाने के लिए 10 से जो है मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. जी तो ये देखें, मैंने 1 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो टर्म है 15/20 ये ऐसे साथ आ जाएगी. अब ये रिलेशन क्या बनेगा, ये 10/20 बन जाएगा. जी तो ये हो जाएगा 10/20, 10 1 से मल्टीप्लाई हुआ 10 20 से, ये 10/20 और ये आ गया 15/20. अब देखें इनके दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं 20/20. अब ऊपर जो नंबर है एक तरफ 10 है और एक तरफ 15 है, तो हमें पता है कि 15 जो है वो 10 से ग्रेटर है, या हम ये कह सकते हैं कि जो 10 है वो लेस देन है 15 से. जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने लगा दिया सिंबल, 10 जो है वो लेस देन है 15 से. ये आपने हमेशा याद रखना है बेटा, ये जो सिंबल्स हम लगाते हैं लेस देन ग्रेटर देन की, तो हम सिर्फ पहले को ही देखते हैं कि जो पहला नंबर है ये अगले से छोटा है या बड़ा है. अब देखिए हम सिर्फ 10 को देखेंगे, 10 है, 10 15 से क्या है, लेस है. तो अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल्स होती हैं, जिस तरफ इसका इस सिंबल का ये जो मुँह है ये खुला होता है वो साइड बड़ी होती है, जिधर की क्लोज होता है वो साइड छोटी होती है. अब देखें इस सिंबल का 10 क्या है, लेस था, उधर ये सिंबल क्या हो गया, क्लोज हो गया है. तो मतलब 10 लेस देन है 15 से. आपने हमेशा पहले नंबर को ही देखना है, आपने 10 को देखना, 15 को नहीं देखेंगे. 10 कम है 15 से, तो ये जो फिर ये नंबर है, बेस तो उनके दोनों की एक जैसी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब है जो सिंबल आपने इधर लगाई है वही सिंबल भी इनके दरमियान ही आएगी, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दरमियान जो है डिनोमिनेटर नीचे 20/20 आ रहे हैं. जो आपने सिंबल इधर लगाई है वही सिंबल ही आप वहाँ पर लगाए देंगे. जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये मैंने सिंबल लगा दिया, वही सिंबल आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया. तो आई थिंक ये आई होप, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह सिंबल लगानी है. अब जो हम इसका अगला पार्ट करते हैं जी, यहाँ पे जो आपने सिंबल लगाई, एक और बात बता देता हूँ आपको, जो आपने सिंबल यहाँ पे लगाई है वही सिंबल आपने दोबारा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके दरमियान लगा देनी है. हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन था 1/2 15/20, तो जो सिंबल इनके दरमियान है वो सिंबल ही हम इसके दरमियान लगा देंगे. ये देखें जी, हमने वही सिंबल तीनों में हमने एक ही सिंबल लगा दिया. ये तो हमने सॉल्व करके निकाला, ये वो था क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन में भी सेम सिंबल ही रिपीट कर दिया. जी स्टूडेंट्स, तो अब इसका जो पार्ट है मैं सेकंड करता हूँ, फिर जो है एक थर्ड पार्ट भी हम इसमें से रैंडम कोई कर लेंगे, बाकी जो है वो क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, मैथड एक जैसे ही होगा. जी स्टूडेंट्स, तो अब ये सेकंड पार्ट इसको हम सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसको हम जो है वो दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो ये तरीका है जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया था, एक ये भी तरीका है कि ये जो माइनस आ जाता है जिसके साथ वो नंबर बहुत ही छोटा आ जाता है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि -3 है और दूसरी तरफ +3 है, तो हमें पता है कि जिसके साथ माइनस आ जाता है वो नंबर छोटे से छोटा ही होता जाता है. अगर हम ये कहें कि 3 और -3 इनमें से कौन छोटा है, तो हमें पता है कि जो -3 है वो टर्म छोटी, जिसके साथ माइनस लग जाएगा वो नंबर जो है ऑफ कोर्स बगैर सोचे समझे हम उसको छोटा ही कंसीडर करेंगे. तो इस क्वेश्चन को आप जो है दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो. एक तो ये है कि हमें पता है इसके दरमियान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया इसको इस पार्ट के साथ, तो ये क्या होगा, ये लेस देन ही होगा 1/6 से. तो हम ये एक तो ये डायरेक्ट ही लगा देते हैं, बल्कि आप इस तरह ही करें कि जिधर आपको किसी एक हिस्से में, ठीक है,
किसी एक हिस्से में माइनस नजर आ जाए, आपने बगैर सोचे समझे उसको छोटा कर देना है। तो ये 2 बाय -3 है, ये क्या होगा, ये लेस देन होगा। तो इसकी तरफ हमने माउथ को क्लोज रखना है, ये लेस देन है किससे, 1 बाय 6 है। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम कोई एक और पार्ट कर लेते हैं जी। तो अब ये पार्ट जो फिफ्थ है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको करते हैं -1 और -2/3 को सॉल्व करते हैं हम जी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखेंगे -1 और -2/3 है, जब अब इसमें दोनों के साथ ही क्या आ गया है, माइनस माइनस आ गया है। अब ये हम उस तरह नहीं सॉल्व कर सकते जिस तरह अभी हम जो है सेकंड पार्ट को सॉल्व करके आए हैं। इसमें हम जो है उनके डिनोमिनेटर्स को ही सेम कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको भी हमने डिनोमिनेटर क्या करना है, 3 करना है। तो हम क्या करेंगे जी, इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और ये जो टर्म है -2/3, ये वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। अब हम ये क्या बन जाएगा, ये -3 और 3 बन जाएगा जी। तो ये -3/3 और ये -2/3, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हमने चेक करना है ऊपर वालों को, तो एक -2 और एक -3 है। तो -3 जो है, -3 क्या है, -2 से स्मॉलर ही है। -3 जो है ये लेस देन है किससे, -2 थे। क्यों, क्योंकि जितना नंबर बड़ा होता जाता है वो उतना ही छोटा होता जाएगा जब उसके साथ माइनस होगा। जिस तरह अगर हम कहें कि ये मैं एक नंबर लेता हूँ -100 ले लेता हूँ और एक तरफ मैं 1 लेता हूँ, तो देखने को तो ये 100 है और ये सिर्फ 1 है, लेकिन उसके साथ माइनस है, तो ये बहुत छोटा नंबर है और 1 उससे बहुत बड़ा नंबर है। तो ये माइनस जो 100 है ये बहुत छोटा नंबर है। अगर ये प्लस हो, पॉजिटिव 100 हो, फिर ये बहुत बड़ा नंबर होगा, ये छोटा नहीं होगा। इसी तरह ये -2 है, -3 है, तो -3 जो है ये लेस देन है -2 से। तो हम जो है ये यही जो सिंबल हमने यहाँ पे लगाया है, इनके दरमियान पे हम यही सिंबल लगाएंगे जी। तो ये देखिए -3 के दर और -2 के दरमियान में जो सिंबल लगाया हुआ है वही हमने इनके दरमियान लगा दिया, ये -2/3 है, और वही सिंबल हम क्वेश्चन के दरमियान लगा देंगे, क्योंकि ये वाला टर्म और ये टर्म बेसिकली एक बराबर ही हैं दोनों। अगर आप इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो ये -1 ही बनेगा, ठीक है। तो -1 जो है ये लेस देन है -2/3 से। आई होप सो आप लोगों को ये सिंबल लगाना समझ आ गई होगी, कि ये सिंबल कैसे लगाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।